आज भरत मिलाप है और भरत मिलाप की ये लीला नैनाभिराम लीला सबके आकर्षण का केंद्र होती है और मान्यता है कि इस लीला को देखने मात्र से प्रभु श्री राम के दर्शन का फल मिलता है, मोक्ष की कामना पूरी होती है। और ये रथ, इस रथ पे भगवान श्री राम सवार होते हैं अपने परिवार के साथ और अपने भ्राता से मिलने के लिए, भ्राता भरत से मिलने के लिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देखिए जो जगह है, यहाँ से अभी ये रथ रवाना होगा और जो भरत मिलाप मैदान है वहाँ पर ये रथ जाएगा और यहाँ पर जो पात्र हैं वो इस जगह पर, इसको धूप चंडी बोलते हैं, ये जगह पर यहाँ पर मौजूद होते हैं और यहाँ से ये रथ निकलता है। लेकिन इस रथ को यदुवंशी खींचते हैं और कहा जाता है कि इस बार ये आयोजन कोरोना काल के बाद बृहद होने वाला है, लेकिन यदुवंशियों का रथ को खींचना एक अलग महत्व को दर्शाता है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी की प्रेरणा से मेघा भगत जी ने इस लीला को शुरू कराया था, तो यदुवंशी इस रथ को खींचते हैं। ज़रा इधर आ जाइए और हम लोग बातचीत करेंगे, इस रथ के पास आ जाइए और हम बातचीत करके जानेंगे कि आखिर यदुवंशियों के खास तौर पर इस रथ को खींचने का मतलब क्या है, परंपरा क्या है और क्या कहा जाता है। परंपरा ये कि भगवान का रथ है, इसमें जो शगुन होता है यादव ढोते हैं रात भर, एक तो भगवान का शगुन होता है, इसमें साल भर आनंद रहता है, जो रथ में आ जाता है उसके परिवार भी ठीक रहते हैं, साल भर आनंद से बच्चे रहते हैं। भगवान का रथ जो होएगा उसके घर के परिवार साल भर आनंद से रहते हैं, पूरी तरह से लाल पगड़ी और उसके साथ वेश भी धारण करते हैं, इसके पीछे कोई खास महत्व। हम लोग जो हैं करीब करीब 400 साल से जो इस रामलीला के आयोजक प्लस सिंगारिया सारा साज सज्जा श्रृंगार वगैरह हम ही लोग करते हैं अपने हाथों से, और श्रृंगार वगैरह सब हम लोग जुटाते हैं। दर्शक लोग और भक्त लोग जो हैं दान करते हैं, चांदी सोना सब, वो मुकुट वगैरह सब बनते हैं उसके। हाँ, आप देखिए यहाँ पर कुछ यादव जो युवा हैं वो हैं, तो इस रथ को उठाते हैं आप? हम लोग उठाते हैं। कितना इंतज़ार रहता है एक साल में इस लीला को? हम लोग को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि हम लोग भगवान राम का कम से कम दर्शन पा सकें, इसलिए हम लोग इस लीला को उठा करके, और हम लोग को बहुत खुशी मिलती है इसकी वजह से, हम लोग को हम लोग के घर परिवार में सबको सुख संपन्ति सबको मिलती है। तो रथ तैयार हो रहा है अब देखिए यहाँ पर, और कुछ ही देर में ये रथ मैदान तक पहुँचेगा और पहुँचने के बाद जो लीला है 4:40 वो समय होगा जब सूरज की किरणें मंच पर पड़ेंगे और इस लीला को वहाँ पर किया जाएगा। इस लीला को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सभी के मन में एक ही भाव होते हैं कि स्वयं भगवान श्री राम यहाँ मौजूद होते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।